अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आज ही रम झाझर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। नदी पार कर मंजिल पहुंचने की मजबूरी, जैसे तैसे सड़क तो बन गई लेकिन अब तक नहीं बनी पुल। गांव के पास नदी पर पुलिया नहीं होने से ग्रामीणों को आवागमन में हो रही परेशानी। वर्ष 2019 में करोड़ों की लागत से बनाई गई थी सड़क, पुल निर्माण की दूर दूर तक ग्रामीणों को अब नहीं दिख रही आस। देखिए एक रिपोर्ट। खबर है पंडरिया क्षेत्र का, जहाँ पर कुछ सालों पूर्व बिरखा से मगरकुंड सड़क मार्ग का निरीक्षण किया गया। इसके मध्य स्थित नदी पर बगैर पुल निर्माण किए दोनों किनारों तक सड़क बना दी गई। सड़क के आसपास रह रहे ग्रामीणों में संबंधित विभाग के प्रति नाराजगी जताई गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत बनाए गए उक्त सड़क में अब तक पुल नहीं बनाया जा सका। दुर्गम स्थानों में सड़क निर्माण के वक्त लोगों में विकास की एक नई आस जगी थी, लेकिन एक अधर पुल निर्माण के कारण उक्त मार्ग न सिर्फ आधा अधूरा है बल्कि औचित्य विहीन बनकर रह गया। ग्रामीण क्षेत्र की यह सड़क वनांचल वासियों व ग्रामीणों के लिए वरदान साबित होनी थी, हैरान तो इस बात की है कि सड़क निर्माण से पूर्व उक्त नदी के उसी स्थान पर पुल बनाने की आश लगी थी। पुल निर्माण के संदर्भ में ग्रामीणों को विभागीय पदाधिकारी व क्षेत्रीय विधायक के साथ साथ अन्य जनप्रतिनिधियों से सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा है। मगरकुंड के पास से गुजरने वाली नदी पर पुलिया नहीं होने से वर्षों से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि नदी में बहते पानी से कई बार वाहन चालकों को दुर्घटना का सामना भी करना पड़ा है। वहीं विभाग के अधिकारियों से ग्रामीणों की समस्या को ध्यान में रखकर ग्रामीणों ने पुल निर्माण करने की मांग की है। ज्ञात हो कि मगरकुंड गांव के पास से पैलीमेटा डैम से निकलने वाली नदी गुजरती है। गंडई से मगरकुंड गांव में आने का दो मुख्य रास्ते हैं, परंतु नए बनाए गए बिरखा से होते हुए 7 किलोमीटर की दूरी तय कर गंडई पहुंचा जा सकता है। वहीं दूसरे रास्ते की बात करें तो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर जरूरत की सामान के लिए जाना पड़ता है। जरूरत के सामान लेने नदी पार कर या नदी में पानी कम होने का इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान पानी के झलेरों का सामना करना पड़ता है। जान हथेली पर लेकर अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए लोग इस नदी से गुजरते हैं, जबकि गांव के पास गुजरने वाली नदी बरसात के दिनों में पूरे उफान के साथ बहती है। ऐसे में गांव का अन्य गांवों से पूरी तरह से संपर्क टूट जाता है। नदी में पानी कम होने के बावजूद नदी पर पानी दो दो माह तक बहता रहता है। ऐसे में दोपहिया लेकर चलना भी मुश्किल हो जाता है। गांव की एक बुजुर्ग ने बताया कि ग्रामीणों की इस जटिल समस्या को ध्यान में रखकर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को इस नदी में पुलिया निर्माण की स्वीकृति जारी कर पुलिया का निर्माण कार्य तत्काल शुरू करना चाहिए, जिससे अगले वर्ष बरसात के मौसम में ग्रामीणों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। ग्रामीणों ने इस नदी पार पुलिया निर्माण की मांग की है। इधर आलम यह है कि प्रतिदिन दर्जनों चारपहिया वाहन सवारी लेकर सैकड़ों मोटरसाइकिल खतरों से खेलकर यहां से गुजरते हैं। खास बात यह है कि इस नदी में पत्थर के बड़े बड़े चट्टान हैं, जो दिखाई भी नहीं देते। नदी के पानी की वजह से कभी भी यह हादसे का रूप ले सकती है। कभी भी किसी भी क्षण यह नदी हादसे को अंजाम दे सकता है। आपको बता दें कि आए दिन यहाँ पर कई हादसे होते रहते हैं और इस बात को लेकर ग्रामीण काफी भयभीत हैं। बाढ़ आने के बाद ये रास्ता बंद हो जाता है, रास्ते लोग अपना फिर यहाँ से 17 किलोमीटर 18 किलोमीटर घूम के वापसी जाना पड़ता है। क्या है ना सर, यहाँ से अगर कोई आदमी यहाँ से गंडई जाना अगर पसंद कर रहा है तो यहाँ से मात्र गंडई 7 किलोमीटर पड़ेगा। यही चीज़ अगर हम लोग उस रूट से अगर लेते हैं तो उस रूट से अगर जाएगा तो आदमी वही 18 किलोमीटर पड़ता है ना, तो कोई भी ज़्यादा दूरी ना देख के पास देखता है ना, जो भी सहूलियत का काम हो वही आदमी रास्ता अपनाता है। और जितने भी गाँव वाले आसपास 30-40 गाँव के लोग हैं पूरे इसी रोड से आना जाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ से दूरी कम पड़ता है, लोगों को सुविधा ज़्यादा मिलती है। और हमको जो भी छोटा बड़ा काम हो, चाहे मेरी हो चाहे दूसरे की हो चाहे बच्चे की हो, कोई भी कार्य हो, उसके लिए हमको गंडई जाना पड़ता है। हाँ, तो उसके लिए एकमात्र रास्ता एक है, ये है, और एक वो पुराना वाला रास्ता है जहाँ से अभी गाड़ी रोड बन रहा है। हाँ भैया, पंडरिया से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर।